इस सेशन में हम हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल किस तरीके से अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मीनिंग के तौर पर किया जाता है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हैव, हैज और हैड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब कैसे होता है हम देखेंगे। हैव और हैज का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेम होता है और हैड का इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट टेम होता है। तो परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता हैव, हैज, हैड का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि आई हैव कम्प्लीटेड माई असाइनमेंट, एक सेंटेंस मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुका हूं। अब यहां पर हैव का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस, मदर हैज प्रिपेयर्ड डिनर। अब यहां पर मदर जो है वो सब्जेक्ट है, यानी यहां पर अगर हम मदर का प्रोनाउन ले तो वो होगा शी। तो ये यहां पर आप याद रखिए कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे है तो हैव का इस्तेमाल होगा, और ही, शी, इट है तो हैज का इस्तेमाल होगा। जैसे हमने यहां पर जब मदर इस्तेमाल किया तो इस्तेमाल किया हमने हैज। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम देखें, जैसे वी हैव टेकन डिनर। अब यहां पर वी इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट प्लूरल में, तो उस वक्त हमने क्या इस्तेमाल किया, हैव इस्तेमाल किया। तो हैव, हैज, हैड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब। इसी तरीके से हैड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, जैसे अब इसी को हम पास्ट में बदल देंगे, हैव और हैज की जगह पर हम हैड इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई हैड रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंच चुका था। नेक्स्ट सेंटेंस, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी थी। अब इन दोनों सेंटेंस में हमने देखा कि आई के साथ और वी के साथ, या फिर अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट भी आता है तो तमाम के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैव और हैज का इस्तेमाल होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट में चाहे सब्जेक्ट कुछ भी रहे तमाम के साथ हैड इस्तेमाल होगा। इस पर मैंने तफसील से पिछले वीडियोस में आपको समझाया है जब हमने टेंसेस और सेंटेंसेस बनाए थे। अब नेक्स्ट जो इस्तेमाल होता हैव और हैज का, जैसे मिसाल के तौर पर के हैव यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल, क्या तुम एग्जाम्पल समझ चुके हो। अब यहां पर हैव का इस्तेमाल जुमले के शुरू में किया गया है, जो सेंटेंस है वो क्या बना रहा है, वर्बल क्वेश्चन बना रहा है। अब अगर हम यहां पर शी सब्जेक्ट लेते हैं तो हैड शी रिटन हर प्रोजेक्ट, क्या वो अपना प्रोजेक्ट लिख चुकी है। और अगर हम दे लें तो सेंटेंस बनेगा हैड दे अराइव्ड होम, क्या वो घर चुके थे। इस तरीके से तो यहां पर हम देख रहे हैं कि अगर वर्बल क्वेश्चन हमें बनाना है और परफेक्ट अगर टेंस है तो उस वक्त हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल एज अ हेल्पिंग वर्ब किया जाता है जुमले के शुरू में। इसी तरीके से पजेशन के लिए भी जो है वो पजेशन के मीनिंग में हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल होता है। जैसे टू हैव, टू हैव का मतलब होता है होना या रखना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं। अब यहां पर हैव जो है वो एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है जो पजेशन बता रहा है ना, किसी चीज का रखना या होना। या शी हैज अ बिग हाउस, उसका एक बड़ा सा घर है। अब यहां पर शी इसलिए हैज इस्तेमाल हो रहा है, तो शी हैज अ बिग हाउस, उसका एक बड़ा सा घर है। अदर हम एग्जाम्पल इसमें देखते हैं कि शी हैड अ स्मॉल हाउस, उसका एक छोटा घर था। तो यहां पर हैड और हैव का मानी रखना या होना में होता है। इट में भी प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म, पजेशन जिसको हम कहते हैं, जिसका मानी होता है कि किसी चीज का मालिक होना, है ना, इट मीन्स टू हैव समथिंग। इसी तरीके से हैव और हैज का इस्तेमाल वो फ्यूचर एक्शन के तौर पर होता है। जैसे वी हैव टू लर्न इंग्लिश, है ना, यहाँ पर टू लर्न इस्तेमाल हुआ है जो कि एक इन्फिनेटिव वर्ब है। तो इन्फिनेटिव वर्ब के साथ जब इस्तेमाल होगा कि वी हैव टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखना है, तो इस सेंटेंस में यह एक फ्यूचर एक्शन है। तो टू लगता हैव टू, और उसके बाद वर्ब आता है। अदर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे हम कहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल्स समझनी है। एंड यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, आपको एग्जामिनेशन के लिए तैयार होना। इस तरीके से हैव और हैज का इस्तेमाल किया जाता है। और वही रूल जो आपको बार बार आपको दोहराया जाता है वो याद रखना है कि आई, यू, वी, दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा और ही, शी, इट के साथ हैज इस्तेमाल होगा। तो होप कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट जो सेशन में हम दूसरे टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन।